नमस्कार दोस्तों, आपका हमारे चैनल में स्वागत है। भारत जोड़ो यात्रा आज से शुरू होगी। कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा, जाने पार्टी ने कितनी की है तैयारी। कांग्रेस नेता राहुल गांधी आज हरी झंडी दिखाकर भारत जोड़ो यात्रा शुरू करेंगे। हर दिन 25 किलोमीटर की पद यात्रा होगी और 3500 किलोमीटर तक का सफ़र तय किया जाएगा। कांग्रेस पार्टी राहुल गांधी के नेतृत्व में आज से लोगों को जोड़ने के लिए भारत जोड़ो यात्रा शुरू करने जा रही है। कांग्रेस का कहना है कि इस यात्रा का मकसद प्रेम और भाईचारे को फैलाना है, इसलिए इसका नाम भारत जोड़ो यात्रा रखा गया है। कांग्रेस का कहना है कि यात्रा एकता की शक्ति दिखाने, कदम से कदम मिलाने और सपनों का भारत बनाने के लिए है। कांग्रेस की इस यात्रा को 2024 के लोकसभा चुनाव से भी जोड़कर देखा जा रहा है। कांग्रेस की ओर से बताया गया कि राहुल गांधी 7 सितंबर को कन्याकुमारी से भारत जोड़ो यात्रा को हरी झंडी दिखाकर शुरू करेंगे। सुबह 7 बजे से पहले पूर्व पीएम राजीव गांधी को याद कर प्रार्थना सभा की जाएगी। यात्रा के शुभारंभ से पहले राहुल गांधी कन्याकुमारी में विवेकानंद रॉक मेमोरियल, तिरुवल्लुवर स्टैचू और कामराज मेमोरियल भी जाएंगे। कांग्रेस ने कहा कि सुबह 7 बजे सबसे पहले पूर्व पीएम राजीव गांधी को याद कर प्रार्थना सभा आयोजित की जाएगी। इसके बाद दोपहर 3:05 पर तिरुवल्लुवर स्मारक का दौरा किया जाएगा, 3:25 पर विवेकानंद स्मारक और 3:50 पर कामराज स्मारक जाएंगे। वहीं 4:10 पर महात्मा गांधी मंडपम में कार्यक्रम होना है। इसके बाद भारत जोड़ो यात्रा को आगे बढ़ाया जाएगा। भारत जोड़ो यात्रा में हर दिन 25 किलोमीटर की पद यात्रा होगी और 150 दिन में 3500 किलोमीटर तक का सफ़र तय किया जाएगा। राज्य में करीब 21 तक यात्रा का पड़ाव रहेगा। यात्रा में प्रदेश के कांग्रेस कार्यकर्ता और आम जनता भी जुड़ेगी। कई जगहों पर चौपाल और आम सभाएं भी आयोजित की जाएंगी। कांग्रेस का कहना है कि यह यात्रा लोगों को एक करने के लिए की जा रही है। जब यह मार्च होगी तो इतिहास लिखा जाएगा। कन्याकुमारी से शुरू हो रही 3500 किलोमीटर लंबी इस यात्रा को लेकर कांग्रेस ने कई स्लोगन भी जारी किए हैं, जैसे आओ एकजुट होकर भारत जोड़े, लोकतंत्र विरोधी ताकतों की कमर तोड़ें।